नौकरी करता हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो मुझे उधर बुलाया जाता है कॉल करके कि आप आए इधर और आप सैलरी अप्लाई करें और आपको जो है ना आपकी सैलरी मिले। मैं उधर गया हूँ और मुझे उधर सुबह 11 बजे से लेके तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे तक बैठाया जाता है। आप बैठो, करते हैं करते हैं करते हैं, तकरीबन उधर 4 बजे के करीब 7-8 पुलिस वाले आते हैं। वो उधर से मुझे पहले हथकड़ी लगाते हैं, बाद में मेरी आंखों पे ऊपर शर्ट बांधते हैं और ऊपर चोला डाल लेते हैं कि जैसे मैं कोई दहशतगर्द हूँ। ठीक है, उधर से मुझे प्राइवेट गाड़ी में उठाते हैं और ले जाते हैं नामलूम जगह पे। उधर जाके मेरे ऊपर मार्क चढ़ा होता है, आंखें बांधी होती हैं, तकरीबन 7-8 बंदे होते हैं वो जो मुझे जाते फर्श पे लटा देते हैं और मारना शुरू कर देते हैं कि तुमने उस्मान डार ने तुमसे कितने पैसे लिए नौकरी दिलवाने के लिए। मैं नहीं मान, मैं कहता नहीं दिए नहीं दिए, फिर भी मुझे दूसरी दफ़ा कभी उल्टा लटका देते हैं कि मानो तुमने उस्मान डार को पैसे दिए हैं, कॉन्ट्रैक्टर से लेके पैसे दिए हैं। जब नहीं मानता तब भी मुझे कभी सीधा लटका देते हैं, कभी उल्टा लटका देते हैं। और बाद में जब मेरे मसलन के कभी ईंट ले, उधर से ईंट उठाते हैं, उसे धागे से अगर मेरे नाजुक हिस्सों में बांध देते हैं कि मानो कमेंट मानो तुम कॉन्ट्रैक्ट से पैसे लेके उस मांडार को देते हो। कपड़े उतारते हैं, बताओ बाद जरा। में मुझे नंगा करते हैं, कपड़े उतारते हैं, कपड़े उतार के उधर फर्श पे बैठा देते हैं कि मानो तुमने उस मांडार को पैसे दिए। जब नहीं मानता तो फिर उधर से कहते हैं कि एक डाला भेजो, इसकी बीवी को उठाओ, इसके बच्चे को उठाओ और इधर उसको लाकर उसको बरहना करो, उसकी वीडियो बनाओ, फेसबुक पे डालो और ब्लैकमेल करो। तब उधर से जाके जब मेरी फैमिली आई तब मैं उधर से टूटा, उनके आगे रोया कि अब आप बताएं कि मैंने क्या करना है। उसने कहा कि आप 134 के बयान दिए और ये कमेंट मेरे कह रहे हैं कि आपने ये पैसे ठेकेदारों से लेके उस्मान डार को दिए। ये बताएं आप कि कोई, ये सब चुप हो जाते थे जब कोई आता था एक उधर आदमी। जब को मेरी तो आंखें बांधी होती थी ठीक, उस वक्त जब कोई आता था उधर, कोई अफसर आता था, ये कहते थे कि बड़े साहब आ गए हैं, बड़े साहब आ गए हैं, और सब साइलेंट हो जाते थे। जब वो आता था सब साइलेंट था, अब ठीक है लगे रहो, करते जाओ लगे रहो। ये बात मैं अब आपके सामने ये जो जावेद अली ने बात रखी, ये हर तरह हम कंफर्म कर सकते हैं। कुरान के ऊपर हाथ रखने के लिए मेरे सामने तैयार थे, ये उस्मान डार को फंसाने के लिए, इसको करप्शन केसेस में लाने के लिए, ये सारी चीज़, ये जो इससे 164 का बयान दिलवाया गया और फिर बीवी बच्चों को साथ वाले कमरे में ला के इनको कहा कि उसको नंगा करेंगे, ये सीधी बात बताए, बीवी को कहा कि उसको नंगा करके उसकी तस्वीरें बनाएंगे और फिर फेसबुक पे चलाएंगे। मैं आज अपनी बड़े रिस्पेक्ट से, मैं अपनी अदलिया से, मैं अपनी चीफ जस्टिस साहब से कहना चाहता हूं कि देखें, मैं अब से नहीं, जब से हमारी हुकूमत गई है मैं तब से कहता रहा हूं कि हमारे बुनियादी हकूक की हिफाजत कौन करेगा। शहबाज गिल को उठाया, उसको टॉर्चर किया गया, उसको नंगा किया गया, उसको लटकाया गया ऊपर, उसको मारा गया, उससे बयान दिलवा रहे थे कि इमरान खान के खिलाफ स्टेटमेंट दो, जो इसको कह रहे थे उस्मान डार के खिलाफ स्टेटमेंट दो उसको। मैं तब भी, मैंने सिर्फ एक मेरे मुंह से निकल गई और गुस्से में निकल गई कि हम जिस जज ने उनको रिमांड दिलवाया था वापस, शहबाज गिल को वापस जेल में, जब वो टॉर्चर हुआ हुआ था, तो मैंने कहा कानूनी कार्रवाई करेंगे, मेरे ऊपर कंटेम्प्ट नोटिस किया गया, लेकिन कोई किसी ने, एक कस्टोडियल टॉर्चर सारी दुनिया के अंदर मना है, कस्टोडियल टॉर्चर के ऊपर कुछ नहीं हुआ। फिर आजम स्वाति को उठाया गया और सारी कौम के सामने, जो आजम स्वाति ने अपने जुबान से बताया कि उसे किया क्या गया, एक ट्वीट के ऊपर, उसका सिर्फ एक ट्वीट कर दी थी उसने कि NRO2 बाजवा ने दिया, जो सब कौम जानती है, उसके ऊपर जो उससे किया गया, फिर वीडियो भेजी गई उसकी बीवी और उसकी बेटी को। ऐसी चीजें इस मुल्क की तारीख में कभी नहीं हुई, या मैं तो नहीं कभी सुनी थी ऐसी चीजें।